झारखंड के लिए 17 अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हम अभ्यर्थियों की बात करें या फिर झारखंड की सियासत के लिए। आपको बताया दें कि 17 अप्रैल को अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाना है, और ये घेराव क्यों हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं। 60-40 नहीं चल तो, यहाँ पर नियोजन नीति में 60-40 को लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि 40% ओपन फॉर ऑल हम नहीं होने देंगे, 40% में यहाँ पर बाहरियों को जगह सरकार आखिर क्यों दे रही है। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 17 अप्रैल को अभ्यर्थियों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाना है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ सुबह में अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर शाम में हेमंत कैबिनेट की बैठक है। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट में कई नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाना है, और चाहे वो कार्मिक विभाग की बात करें या फिर किसी अन्य विभाग की। आपको बता दें कि जब हमने नेताओं से इसको लेकर के बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 से 4 महीनों में लगभग 1,00,000 नियुक्ति पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकलने वाले हैं, तो अभ्यर्थी उसकी तैयारी करें, यहाँ पर रोज़गार का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि लैब असिस्टेंट और साथ ही साथ PGT का विज्ञापन निकल चुका है, और उन दोनों ही विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर भारत का नागरिक के साथ साथ ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि झारखंड का भी नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 40% ओपन फॉर ऑल की तैयारी सरकार ने कर ली है, और वहीं दूसरी ओर नेताओं का कहना है कि यहाँ पर हम लोगों ने 40% में भी बैरियर लगाने का हम काम करेंगे, थोड़ा सा अभ्यर्थी धैर्य रखे। इसी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 4 महीनों से अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के कि झारखंड में 40% ओपन फॉर ऑल क्यों किया जा रहा है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की, सत्ता पक्ष के विधायक भी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे थे। बजट सत्र के दौरान हमने ये देखा था कि सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता यानी कि JMM के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी इसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे सदन के अंदर और साथ ही साथ सदन के बाहर। कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के भी कई विधायक स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे थे कि 60-40 नहीं होना चाहिए, बाहरियों को झारखंड में जगह नहीं मिलनी चाहिए, झारखंड झारखंडियों के लिए बना हुआ है और झारखंड के युवाओं के लिए ये झारखंड है, यहाँ पर नौकरी भी झारखंडी युवा ही करेंगे, इसको लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी आवाज़ बुलंद की जा रही थी, 60-40 नहीं चलतो के नारे सदन के अंदर और बाहर वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर के 11 अप्रैल को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, और साथ ही साथ आजसू की ओर से 13 अप्रैल को यहां पर तमाम जिला मुख्यालयों का घेराव किया जा रहा था कि 60-40 नहीं चलतो, यही नारा लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सारे नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और 17 अप्रैल को ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि आखिर क्या कुछ कैबिनेट में निकल के आता है, क्या अभ्यर्थियों की मांग इस कैबिनेट में पूरी होती है, या फिर तमाम अभ्यर्थी 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालेंगे और साथ ही साथ 19 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर 17 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो जाती है तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन बंद कर देंगे, यानी 18 और 19 तारीख का जो आंदोलन होगा वो कहीं ना कहीं रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर कैबिनेट से उन्हें खुशखबरी नहीं मिलती है तो फिर अभ्यर्थी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब 17 अप्रैल पर तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई है, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे झारखंड की सियासत की बात करें, तमाम लोगों की नज़र 17 अप्रैल पर है, अभ्यर्थियों के आंदोलन पर है और साथ ही साथ हेमंत कैबिनेट पर है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।